स्वामी दयानंद जी की सबसे लोकप्रिय और महत्वपूर्ण पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश का पहला संस्करण 1875 में प्रकाशित हुआ था। यह तथ्य उल्लेखनीय है कि सत्यार्थ प्रकाश में स्वामी दयानंद जी ने नमक कानून का विरोध किया था। वे इस कानून को गरीबों के लिए अहितकर मानते थे। हम सभी जानते हैं कि इस पुस्तक के प्रकाशित होने के 55 वर्षों के बाद सन 1930 में डांडी में गांधी जी ने नमक कानून तोड़कर हमारे स्वाधीनता आंदोलन में एक नई ऊर्जा का संचार किया। इस बात का मैंने उल्लेख इसलिए किया कि महर्षि दयानंद जी ने सत्यार्थ प्रकाश में जिस बात का उल्लेख किया था उसी बात को 55 वर्षों बाद गांधी जी ने उसको स्वीकार करते हुए और उन्होंने स्वीकार किया स्वदेशी आंदोलन को आगे बढ़ा सकते हैं तो उसके लिए एक नमक आंदोलन बहुत कारगर सिद्ध हो सकता है। और इस प्रकार गांधी जी ने भी जो स्वामी दयानंद जी की जो परंपरा थी अर्थात उनकी जो लेगेसी थी उसी को उन्होंने आगे बढ़ाया।